बहुत से केसेस ऐसे आए हैं, बहुत से क्वारी ऐसे आए हैं कि अगर 376 और पॉक्सो एक्ट में जो अपराधी है वो पीड़िता से शादी कर लेता है तो क्या ये केस बंद हो जाएगा, केस खारिज हो जाएगा? बहुत सी क्वारी है ऐसी, तो बताते हैं कि क्या हो सकता है ऐसे केसेस में। लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर पूरा देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है 7 सितंबर 2022 का मामला है पंजाब का। इसमें एक पिता कंप्लेन लेकर आता है और कहता है मेरी दो बच्चियां स्कूल के काम से बाहर गई थी 22 जुलाई 2019 को और वापस लौटकर नहीं आई। पुलिस के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है आईपीसी 366 और 363 के तहत। 24 जुलाई 2019 को इन लड़कियों को दो लड़कों की कस्टडी से बरामद किया गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 22 जुलाई को लड़कियां लड़कों के साथ अपनी मर्जी से गई थी बाहर घूमने, बाहर इंटरकोर्स हुआ, घूमे फिरे और 24 जुलाई को पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कियों के 161 के 164 के बयान हुए। अब लड़कियों ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम अपनी मर्जी से इनके साथ गए थे, मेडिकल भी हुआ। अब उसमें से जो एक लड़की थी वो 18 साल से नीचे थी, तो सबको पता है कि 18 साल से नीचे की लड़की उसकी सहमति और असहमति कोई मायने नहीं रखती है। अब लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली, जिस शादी के लिए जो लड़की के पिता थे वो भी अग्री हो गए। अब यहाँ पर उस लड़के ने जिसने शादी की थी उसने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की कि इस केस को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि हमने शादी कर ली है। हाईकोर्ट ने पूरे फैक्ट्स को देखा कि शादी भी 18 साल से बाद की गई थी और हैप्पीली मैरिड लाइफ अब वो जी रहे थे। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने स्टेट से रिपोर्ट मांगी लेकिन स्टेट ने जो रिपोर्ट दी वो अपोज दी कि जब ये लड़कियां बरामद हुई ये माइनर थी और ये जो लड़कियां हैं वो जो एक्यूज की कस्टडी से बरामद हुई है। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने पाया कि बेशक उन्होंने शादी कर ली है लेकिन जब ये क्रिया हुई, ये अपराध हुआ, लड़की माइनर थी और जो पॉक्सो एक्ट है वो लड़कियों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, वो उसको रोकना है, वो पॉक्सो एक्ट का काम है। तो बेशक से शादी कर ली लेकिन जब ये घटना हुई तो ये माइनर थी, इसीलिए ये कहा नहीं जा सकता कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ है। और यह कहते हुए 482 की याचिका को रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, सभी केसेस के जो सर्कमस्टांसिस हैं वो अलग अलग होते हैं, केसेस अलग अलग होते हैं, तो डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन जो है केस का रिजल्ट होता है। लेकिन यह जो रिजल्ट है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, यहाँ पे जजमेंट कहता है कि अगर शादी भी कर ली है और उस समय जब ये घटना घटी, अपराध हुआ, वो माइनर थी, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अपराध घटित नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है 376 और पॉक्सो एक्ट को लेकर, आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर। हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।